So, hmm. हम डायरेक्टली फिर लिवर पे टारगेट करना शुरू कर देते हैं सो मेन मुझे ज़्यादातर और जैसे यंग लोग हैं एक चीज़ मत मत करना। ईटिंग हैवी हैवी फ़ूड, डोंट या आइसक्रीम उसके बाद खाओ। आपको उसमें ठंडा ठंडा खाने से हमारी थंडा 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 पित्त की तरफ जाते हैं तो पित्त को बहुत ही एसिडिक एसिडिटी हार्ट बर्न्स वगैरह चीज़ें होती है बिकॉज उनकी बॉडी में right. तो उसको काउंट्रैक्ट करने के लिए हमें देखिए आपकी लैब रिपोर्ट्स अच्छे हैं आप खुद भी पूरा स्कैन कर सकते हो खुद को हेलो मैम वेलकम टू अडॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट आई वांट टू टेल यू ये लेडी स्पेशल पॉडकास्ट है मोटिव uh, ये है कि अगर हम एक भी लेडी को एक भी घर की फीमेल को औरत को मदर्स को कुछ भी एक थॉट देते हैं कुछ भी एक आइडिया या फिर कुछ भी एक नॉलेज देते हैं ना तो वो सिर्फ हमने उस लेडी को नहीं दिया हमने पूरे घर को दे दिया और इसी मोटिव के साथ हमने अडोन्टोक्स लेडी स्पेशल पॉडकास्ट बनाया कि अगर हम सारी लेडीज को हिंदुस्तान की नॉलेज दे दें तो पूरा हिंदुस्तान भर जाएगा इस इंटेंशन के साथ अडोंटॉक्स को हम आगे लेके जा रहे हैं एंड आज एक स्पेशल लेडी है जिनसे मैं इतनी देर से बातें कर रहा था और इतना कुछ पता लगा कि मेरे को ऐसा लगा कि मेरी लिविंग रियलिटी एक डिजास्टर चल रही है अभी <laughs> क्योंकि मैं बहुत कुछ खा रहा हूं पर मैं बिल्कुल सही नहीं खा रहा हूँ hmm. और मैं अच्छी चीजें खा रहा हूँ लाइक like, अगर मैं कुछ भी खा रहा हूं तो को ये लग रहा है कि चलो उसमें से कुछ तो अच्छा न्यूट्रिशन में ले रहा हूं hmm. पर उसके कुकिंग स्टाइल उसके बहुत सारे और स्पिरिचुअल एंगल्स में भी वो बहुत चीजें गलत हो जाती है आई आई वॉन्ट कि हम इस पॉडकास्ट से बहुत बेस लेवल से इसको लेके जाए पर हम इसमें ये ना भूलें कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी ना एक क्लटर कर देती है और इंसान को समझ नहीं आता कि हम क्या खाएं क्या करें वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो कहते हैं जो हम कर रहे हैं हम वैसे ही करते हैं क्योंकि हमारे दादा पर दादा भी ऐसे जीते आए हैं हमारे मम्मी पापा भी ऐसे जीते आए हैं तो हम भी जी लेंगे बट एक्चुअल क्या है इसके पीछे एक्चुअल साइंस क्या है वो सारी चीज़ें जानिए बट उससे पहले आई वॉन्ट कि आप थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दो क्योंकि बहुत सारे लोग आपको देखेंगे जानेंगे तो उस वो वो मेरे से बहुत अच्छा आप करोगे सो आई वॉन्ट कि आप पहले ऑडियंस को एक बार हाई करो और अपने बारे में बताओ ओके सो नमस्ते और uh, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और फाउंडर ऑफ इट फिट ट्वेंटी फोर बाई सेवन मेरी हेल्थ जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई मेरे ही हेल्थ चैलेंजेस को ओवरकम करने में mm -hmm. तो वहाँ से ही मुझे एक स्पाइक मिला जैसे आपको भी कुछ करने के लिए पार्क मिलता है तो वहाँ right. से मुझे भी मिला कि मैं कोई एंशंट विजडम और मॉडर्न न्यूट्रिशन को मिला के मेरे खुद के चैलेंजेस को मैं रूल आउट करूँ फिर वहाँ right. से मेरी न्यूट्रिशन जर्नी स्टार्ट हुई एंड नाउ एट अ पॉइंट इज़ वेयर इन माय इट फिट 24 बाय 7 इज़ लाइक like हम डाइट्स uh, भी देते हैं जो वेरी बेजिक हो हॉलिस्टिक हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हम नहीं करते हम ट्राई करते कि आप जो भी कुछ बनाओ उसको एन्जॉय करो और खाओ और आपके पॉजिटिव थिंकिंग से लेके वेलबिंग well वेलनेस से सब कुछ में आपको बहुत अच्छे से एनर्जीज मिले आप ख़ुद से ही एक न्यूट्रिशनिस्ट बन जाओ जाकि ताकि आपको इतनी सारी जो इंस्टाग्राम में घूमते रहते हैं right. वो आपको यू you नो know, uh, अंदर लेना ना पड़े बिकॉज एवरी इंडिविजुअल हर एक इंडिविजुअल डिफरेंट रहती है तो उनको खुद की बॉडी को कैसे लोग कैसी चीज़ें कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है वो जानना बहुत ज़रूरी है सो दिस इज़ हाउ व्हाट आई डू एंड दिस इज़ हाउ कि मैं मेरे क्लाइंट्स को भी टीच करती हूँ कि भाई आप right. ये फॉलो करो ये मत खाओ ये खाओ ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं so, सो मेरी जर्नी इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग नई नई चीज़ें हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों को एंड फॉलो करते हैं उनको जो अचीवमेंट्स मिलते हैं वो मुझे एक्साइट करती है ओके सो यो आप बॉलीवुड के साथ काम करते हो आप सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करते हो uh, हम बाद में जानेंगे कौन कौन क्या है वो मसाले वाला कॉन्टेंट हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे बट आई वॉन्ट एक सबसे बेसिक सवाल कि आप डाइट कैसे देते हो लाइक अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ एक मैं मान के चलता हूँ मैं एक बहुत नॉर्मल इंसान जिसको जो कुछ कुछ खा रहा है कुछ कुछ जिंदगी चल रही है बट अब उसको एकदम हिट होता है कि यार मेरे को बहुत ब्लोटिंग की दिक्कत हो रही है या मेरे को एसिडिक हो रहा है या मेरे को खाना जो मैं पहले खा के अच्छा फील करता था अब वो खा के मेरे को लेजी हो रहा हूँ एनर्जीज नहीं आ रही है माइंड ब्लॉकेज हो रहा है कुछ भी एक्स वाई जी वही खाना खा रहा हूँ सब कुछ चल रहा है बट अब दिक्कतें आ रही हैं खाने के बाद मे बी खाने के बाद गैस हो रही है कुछ हो रहा है सो मैं अब आपके पास आता हूँ आप सबसे पहला सवाल क्या पूछोगे मेरे से या फिर आप आप सीधा कहोगे कि ये ये लिस्ट है और फॉलो करो जिंदगी जाएगी नहीं तो पहले जब आप मेरे साथ आते हो तो मुझे एटलीस्ट एक घंटा लगता है आपको पहले जानने में okay. तो मैं पहले पूछती हूँ कि आप क्या खाना खाते हो अभी के फिलहाल क्या करते हो आपकी लाइफ कैसी है और आपके नेचर भी मे को जानना पड़ता है बिकॉज मेरा डाइट टोटली डिपेंडिंग अपॉन जो फाइव एलिमेंट्स हम एयर वाटर फायर स्पेस एंड अर्थ जो हम हिंदी में उसको कंक्लूड करके वात पित्त और कफ प्रकृति के हिसाब से आयुर्वेदिक वे के right. हिसाब से उस पर हम डाइट देते हैं uh -huh. और फर्स्ट अगर हम मैं अगर लगता है मुझे कि फिर ये ये कौन सी प्रकृति के है और उसमें भी मुझे क्या कौन से ऑर्गन्स को पहले टारगेट करना होता है लाइक गट है या लिवर है या हार्ट है तो उस हिसाब से हम उसको टारगेट भी करते हैं और uh फूड देते हैं फिर हम वीकली कंसल्टेशन करते हैं आप एक एक वीक का हमने चार्ट दे दिया आपको कम्प्लीटली फॉलो करना है उसमें हम रेसिपीज भी देते हैं अगर आपको चाहिए तो एंड uh, फिर एक वीक के बाद मैं आपको वो नहीं पूछूंगी आपका वज़न क्या है आपको कैसा लगा यू uh, नो you know, कि इंचेस है कि नहीं वो मेरा काम नहीं है okay. आपका वेट लॉस हो ही जाएगा वो हम बाई प्रोडक्ट गारंटीड हम दे देते हैं ठीक है बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वॉट आई एम इंटरेस्टेड कि कि बेसिकली कि आपको सपने कैसे आए थे आए थे तो आप नेक्स्ट डे आपको याद थे कि नहीं okay. कि आपकी पॉटी फ्लोट कर रही है कि सिंग कर रही है आ. आपको कोई बैड ब्रेथ आई या मेटेलिक टेस्ट मुंह में आया कि नहीं सो so, ऐसे करते करते मुझे धीरे धीरे समझ में आएगा कि मैंने कौन से आपके एलिमेंट्स को बैलेंस किया है जो मैंने मेरा जो गोल है कि मैंने फर्स्ट वीक को मुझे गट को हील करना है या मुझे एयर एलिमेंट को हील करना है तो मुझे नेक्स्ट टाइम वो खाने के बाद मुझे लगना चाहिए आप में से वो सिम्टम्स आने चाहिए कि हाँ श्वेता मेरा हुआ है hmm. फिर मैं आगे बढ़ के फिर वैसे वैसे आगे हम क्वेश्चन लेके जाते हैं और हम ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपकी बॉडी में एक ऐसा एन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि बॉडी खुद से ही अपना काम स्टार्ट कर देती है हम कुछ अंदर जा जाके कि हाँ चलो तुम गट ये काम करो तुम हार्ट ये काम करो वो नहीं कर सकते बॉडी को खुद को ही अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट करना पड़ता है खुद को ही दोनों तीनों चारों ऑर्गन्स को एक दूसरे से मिंगल करना पड़ता है काम करना पड़ता है बस हम वो एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं एंड बॉडी अपना आप फिर काम स्टार्ट कर देती है सो so बेसिकली हमने बॉडी को ट्रेनिंग देनी पड़ती है यस yes. कि अगर मैंने मेरा बिल्कुल ऐसे डिजास्टर हुआ हुआ है कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ और फिर मेरा अपसेट हो रही है चीज़ें उसके बाद मैं आपके पास आऊँगा आप सारी चीज़ें समझोगे कि टूल कैसा आ रहा है आ,

से पहले वाद प्रकृति से स्टार्ट करते हैं ओके सो वाद प्रकृति की लोग ऐसे होते हैं कि उनमें एयर जैसे वायु की एलिमेंट ज्यादा होती है उनमें तो वो जैसे एयर एक जगह पे थमते नहीं ना वैसे ये लोग भी एक जगह पे थमते नहीं है, है उनके दस चीजें एक माइंड में चलते रहेंगे बहुत हाइपर रहेंगे एंड बेसिकली uh, वो उन लोग को ट्रैवल करना भी बहुत पसंद आता है एंड ए वेरी क्रिएटिव बाय नेचर ओके उनको स्वीट खाने को भी बहुत मन करता है बिकॉज ए टॉक अ लॉट जितना right. तुम ज़्यादा टॉक करते हो उतना तुम्हें स्वीट की क्रेविंग्स भी होती है right. और ये ऐसे लोग होते हैं कि जिनके लैपटॉप मोबाइल दस दस टैब्स ऐसे ही ओपन रहते हैं कभी भी वो बंद करते ही नहीं है यू नो देर सो हाईपर दे सो सो मेनी थिंग्स इन दया एंड इनफैक्ट दर स्लीप इज ऑल्सो लिटिल डिस्टर्ब्ड क्योंकि स्लीप में भी वो इतना कुछ सोचते बचपन में जो बच्चा ना ऐसे घूमते रहते पूरे बेड पे दैट मीन्स इज अ वाता प्रकृति सो हाइपर वो एक जगह पे बैठ नहीं सकते उनको ए भी सहन नहीं होता उनको कोल्ड इतना सहन नहीं होता एक्चुअली तो वो जब भी सोते हैं तो उनको एक ब्लैंकेट पतली सी ब्लैंकेट भी चाहिए टू कवर दियर सेल्व उनकी एंकल्स बहाल ही रहनी पड़ती है उनको रखना पड़ता है थोड़ा सा भार एक्चुअली उनको एकदम किस किसी ने बांध के रख दिया ना तो वो लोग वैसे सरवाइव नहीं करते वो उनको एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है एंड दे वांट टू जस्ट मूव आउट ऐसे वाता okay. प्रकृति है okay. पित्त प्रकृति ऐसी है कि वो बहुत ही यू नो गुस्से वाले रहते हैं उनका गुस्सा नाक पर रहता है छोटी छोटी बातों पे उनको गुस्सा आ जाता है एक्चुअली एंड uh, उनका उनकी डाइजेशन भी बहुत फास्ट रहती है तो उनको खाना भी बहुत जल्दी चाहिए लाइक एवरी टू टू आवरली उनको खाना चाहिए जैसे वात प्रकृति का कैसा है कि उनको सिर्फ टू मील्स चाहिए लंच एंड डिनर ब्रेकफास्ट खाने का उनको मन ही नहीं करता एक्चुअली इट इज दैट वे एंड पृथ्वी प्रकृति को एवरी टू टू आवर्ज दे वांट टू ईट समथिंग अगर उन्होंने अगर अगर उनको दो घंटे में नहीं मिला तो उनका गुस्सा वापस चला गया यू नो इट्स लाइक ऑन द टॉप बिकॉज वो हैंगरी जैसे हो जाते हैं एंग्री विद हंग्री टाइप्स यू नो एंड बट पीपल आर वेरी दे हैव लीडरशिप क्वालिटीज एंथुजिक वेरी एंथुजियास्टिक वेरी जैसे पार्टी एनिमल टाइप के वो जो जैसे नहीं बोलते एक ग्रुप में कि uh, हाँ एक ग्रुप में कि ये बंदा नहीं रहेगा तो पार्टी में मजा नहीं आता हाँ, हाँ, वैसा वाले ही बंदे बोलते हाँ जैसे सी सी है उनके एक एक पोस्ट ही वो बड़े वाले लोगों की पोस्ट होती है ओनर्स ऑफ द कंपनी और दे आर द

उनको सोना हमेशा पसंद आता है बहुत सोते रहते हर टाइम कभी भी सो सकते हैं उनको उठाना मतलब सुबह को उठा ही नहीं पाते okay. उनको कितना भी आपको स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं तो जिस बच्चे को बहुत ऐसे उठाना पड़ता है दैट मीन्स ये इज अ काफ़ा प्रकृति उनको आ, उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लगिश रहती है ये ऐसे बंदे हैं जो नहीं बोलते कि मैं पानी भी पिऊंगी तो मेरा वजन बढ़ जाता है तो ये काफ़ा प्रकृति है, उनकी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो रहती है और उनको कितना भी क्रिटिसाइज़ करो ना उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दे आर लाइक एलिफेंसिव कम्पलेसेंट you know, हाँ right. करते रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता टाइप्स बट द वेरी लविंग वेरी टचिंग द वेरी केयरिंग और oh बहुत ही uh, हाँ दीज पीपल के प्रोफेशन ज्यादातर काउंसलर्स टाइप ऑफ प्रोफेशन दे एर गुड काउंसलर्स दे कैन टॉक सो दिस इज अ काफा प्रकृति इंटरेस्टिंग सो अब आ, ये तीन प्रकृति में हम लोगों को बहुत सारे लोगों को पता लगा होगा कि वो क्या है प्लीज uh, कमेंट करके बताओ तो और मजा आएगा hmm. इसमें ऐसे भी हो सकता है कि कभी-कभी आप दो ऐसा होगा मैं मान के चल सकता हूँ बात इनमें से एक साइड मेरी ज्यादा डोमिनेटिंग होगी दूसरी सकते करके चलो अभी हम कुछ वैसे समझते हैं अब इसमें अगर मैं आपने मेरे से इतनी देर बात की क्या लगता है आपको मैं कौन सा हूँ आप तो बात प्रकृति बिल्कुल exactly. मैं, मैं सारे सिम्टम्स हैं ah. सारे के सारे लाइक like एक में मेरे को ना डाइसी नहीं हुआ कि नहीं मेरे right. ये भी है ये राइट और so uh, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को पता चल जाता है ना yeah. वैसे हम लोग को भी हेल्थ कुंडली पूरी टक 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 निकल जाती है कि आपको ये प्रॉब्लम होगी बाद में ये प्रॉब्लम होगा yeah. तो, मतलब ये कुछ साइंस लाइक रॉकेट साइंस नहीं है हमारे वेदा में लिखे हुए है hmm. बस इसलिए मैं बोलती हूँ कि हर एक जन को ना प्रकृति जानना बहुत जरूरी होता है लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लड ग्रुप जैसे पता होता है वैसे ही आपकी प्रकृति आप जान लो ना तो बहुत ही अच्छा पड़ता है बिकॉज आपको पता लगता है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए क्या मुझे अवॉइड करना चाहिए जिसकी वजह से मेरी बात और भी इम्बेलेंस होती है

हम बहुत जनरल बात करें तो पहले हाँ. मैं डिस्क्लेमर डालना चाहूंगा कि ये एक्यूरेट तब होगा जब आप बिल्कुल इसको डीप साइंस समझोगे एक घंटे के पॉडकास्ट में आपको सिर्फ एक बेस मिल सकता है एक एक जो आप अभी कर रहे हो उससे बहुत बेटर मिल सकता है बट अगर आपको बिल्कुल हार्ड कोर जाना है तो आपको बहुत डीप में जाना चाहेंजेज बट अभी के लिए हम ये समझते हैं कि कौन मोटा, से मोटा। सेक्टर वाले को कौन सी चीजें खानी चाहिए मोटा मोटा ठीक है वाता प्रकृति में ज्यादातर देखे आजकल के जो मदर्स है या जो भी है उनको सैलेड खाने को बहुत पसंद है तो रॉ सैलेड उनको कभी भी सूट नहीं करेगा बिकॉज अगर वात बहुत बढ़ गया समझो फॉर एग्जाम्पल तो और डाइजेशन भी उनकी वीक रहती है उनकी जो डाइजेस्टिव फायर जो हम जठार अग्नि बोलते हैं वो भी वीक ही होती है तो उनको गैस ब्लोटिंग और गैस और ब्लोटिंग के इश्यूज बहुत होते हैं तो रॉ सैलेड्स बिल्कुल भी अवॉइड करने हैं ओके सेकेंडली उनको ग्राउंडिंग uh, फूड्स चाहिए जैसे मैंने पहले बताया ना कि वो एयर है एक जगह पे थमते नहीं है तो उनको right. ऐसे ग्राउंडिंग फूड्स जैसे एबिकाडो है बनाना है स्वीट uh, पटेटो है ये सब उनको ग्राउंड करके रखेगा तो उनको वो ज़्यादा अच्छा रहेगा सेसमे ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर देम एलमंडस फ्लैक्सीड्स आर वेरी गुड फॉर देम ओके दीज आर द सुपर फूड्स फॉर देम उनको इंट्रोड्यूस करना ही करना है मोटा मोटा कभी कभी उनको ग्लूटेन सूट नहीं करता है बट समटाइम्स आई ऑल्सो नोटिस्ड कि कभी कभी ना ग्लूटेन नहीं खाने से भी कभी हेयर लॉस हो जाते हैं तो okay. तभी मुझे कभी कभी ग्लूटेन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है बट हम एक एंटीडोट भी देते हैं कि भाई गेहूं का आटा खाना है तो थोड़ा सा जिंजर उसमें आटे में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो हम उसको एंटीडोट बोलते हैं तो आपको कभी भी उसकी ब्लोटिंग या एसिड गैस नहीं होती है ओके सो यू कैन ट्राई दिस नुस्खा ऑल्सो अभी पित्त की तरफ जाते हैं तो पित्त को बहुत ही एसिडिक एसिडिटी हार्ट बर्न्स वगैरह चीज़ें होती है बिकॉज उनकी बॉडी में बहुत हीट होता है right. तो उसको काउंट्रैक्ट करने के लिए हमें कूलिंग फूड्स देने पड़ते हैं <laughs> तो हम ज़्यादातर सुपर फूड ब्लैक रेजन और सौंफ ये तो लेना ही लेना है आपको डेफिनेटली यू इट्स लाइक अ रामबांड इलाज फॉर योर एसिडिटी कोई भी हो आपको अगर एसिडिटी बर्न होता है तो प्लीज ले लो आपको ओवरनाइट उसको सोक करना है नेक्स्ट डे पानी फेंकना है बिकॉज आप वो प्रकृति ने जो पानी पी ले उसको फेंकना है आपको उसको बराबर से अच्छे से च्यू करना है बिकॉज पित प्रकृति या वाता प्रकृति बहुत जल्दी जल्दी खाना भी खाते right. तो वो भी अफेक्ट करता है तो आपको स्लो खाना है उसको अच्छे से च्यू करना है ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू फिर कूलिंग जूसेज भी देते हैं सेलरी की जूस देते हैं जो एल्कलाइन करता है आपकी बॉडी को फिर एशग जूस देते हैं जो उसको अगेन वापस करते हैं यहां मैं एक बात भी बोलना चाहती हूँ जूस जो पेठे का जूस जो बहुत वायरल हुआ इंस्टाग्राम पे समर के टाइम पे कि आप पियोगे तो आपको कूलिंग होगा एंड ऑल थिंग्स तो वो बहुत अच्छा है फॉर पिथ बॉडी ओके बट अगर वो वाता बॉडी ले लेता है तो वाता इज नॉर्मली बॉर्न विद अ लो ब्लड प्रेशर ओके ओके इट्स नॉट अ डिजीज और अ कंडीशन इट्स लाइक 120 बाय 80 हमारा प्रेशर रहता है तो आप शायद 110 बाय 70 रहते हो लाइक hmm. like मैं भी वाता हूँ तो मेरी ना जैसे ही मैं रॉ ऐशॉट जूस पीऊँगी या पेठे का जूस पीऊँगी मैं सीधा मुझे नौशिया हो जाएगा या रॉ दूधी जूस पीऊँगी जो लोग पीते भी हैं तो उनको समझ में नहीं आता मुझे क्यों हो रहा है बट ये पूरा ब्लड प्रेशर मेरा hmm. डाउन कर देता है मेरा शुगर डाउन कर देता है मुझे वो दिन उस दिन ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं खुद भी क्या कर रही हूँ यू नो तो वो अवॉइड करना है so, तो पित... जितना मेरे को समझ आ रहा है तो इसके अगर आप ये इसके साथ अलाइन नहीं करते हो तो आप हेल्दी खा के भी हेल्दी नहीं हो हम्म hmm, exactly. और हाँ। हमको लगता है कि हमने इंस्टाग्राम पे कोई रील देख लेगी हेल्दी चीजें खाओगे तो आपका बट अच्छा ऐसा नहीं है. नहीं है इसलिए आपको प्रकृति जानना, आपकी टाइप, चलो प्रकृति जानो, पर हमारी बॉडी किस पे रिस्पॉन्ड करती वो करना बहुत जरूरी है right. हर एक आप जो भी खाते हो उसको ऑब्जर्व करो उसका क्या आपको असर कर रहा है मेंटली फिजिकली एवरीथिंग एंड देन आगे बढ़ो इट्स आपको क्यों ये लेब रिपोर्ट बता दे कि आपके लेब रिपोर्ट अच्छे है आप खुद भी पूरा स्कैन कर सकते हो खुद को राइट आप बताइए बता रहे थे काफा बॉडी एक रह गया है हम हाँ। वो कर लेते हैं okay, काफा बॉडी समथिंग वेदर आई टोल्ड यू बिफोर कि वो आ, कुछ भी खाते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लगिश रहता है जल्दी वजन बढ़ा देते तो उनमें वाटर रिटेंशन बहुत रहता है उनको पेन ज्यादा रहते हैं तो ज्यादातर सेलरी क्यूकम्बर जो डायरेटिक वाटर के जैसे काम करता है right. तो वो पहले पीना ही पीना है ओके आई गिव समेम वन लीटर ऑफ वाटर विद लिटिल चिली पाउडर इन इट टू जस्ट ओके स्पाइकअप द मेटाबॉलिज्म तो वो हम करते हैं ओके ग्लूटिन फ्री डेयरी फ्री जरूर उनको जाना चाहिए बिकॉज यू नो स्लगिश होती है मेटाबॉलिज्म तो ये डेयरी वगैरह सब उसको और भी स्लगिश करता है एंड काफ़ा को नॉर्मली हॉर्मोनल इश्यूज़ रहते हैं लाइक पी सी यू एस एंड थारॉयड एंड ओल्ड इश्यूज ज़्यादातर काफा लोगों को आता ही आता है right. तो हॉर्मोन क्यों हमें डेयरी से डेयरी से क्या होता है कि वी आर टेकिंग अ हॉर्मोन फ्राम अनदर मैमिल Hmm -hmm. क्योंकि दूसरे एनिमल का हार्मोन हम हमारे में डाल रहे हैं ऑलरेडी हमारे हार्मोन में गड़बड़ है तो इसलिए हम डेयरी बंद करवाते हैं स्पेशली काफा प्रकृति को फिर तो धीरे धीरे हम जैसे जैसे हम उसको ठीक करते हैं हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं आर में कंसिस्टेंसी हम उसको धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं सो दिस इज हाउ मोटा मोटा डाइट हमने फॉलो करना है अब मैंने अपनी प्रकृति समझी कि यह है और उसके साथ मैंने जाना कि मेरा डोमिनेटिंग एक होगा और दूसरा होगा जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा होगा तो मैं मिक्स करके ट्राई करूँ अपनी बॉडी के साथ कि क्या है क्या नहीं, क्या नहीं। और कितने टाइम तक ट्राई करना चाहिए क्योंकि इसमें भी नहीं समझ आएगा कि अगर सपोज मैंने एक चीज ट्राई करी कुछ भी एक्स वाई किसी चीज का नाम नहीं ले रहा बट अगर सपोज मैंने रॉ वेजिटेबल्स खाना स्टार्ट किया तो मैं कैसे पता करूं कि मेरे को कितने दिन तक खानी है मैं पंद्रह दिन खाऊं मैं इक्कीस दिन खाऊं मैं दो दिन खाऊं कि मेरी बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी सी रॉ वेजिटेबल्स वगैरह जो भी आप कुछ खाते हो ना वो तुरंत ही बॉडी आसानी से उसका वो सिग्नल दे देती है Same आपको सिर्फ सिग्नल पकड़ना ही तीन चार दिन आप फॉलो हाँ, करोगे like तीन चार दिन करने से आपको पकड़ना है वो सिग्नल की आपको कैसे वो रिएक्ट करता है लाइक रॉ वेजिटेबल मैं खाऊंगी तो मेरा पेट एकदम प्रेग्नेंट जैसे वुमेन जैसे एकदम फूल जाता है यू okay. नो you know, जैसे एश गॉड पीओगी तो मुझे तो दो घंटे में वो असर कर लेगा सो oh. so, जैसे ही आप कुछ इंट्रोड्यूस करते हो आप पहले ऑब्जर्व करो वो बॉडी सिग्नल देती है बट कभी कभी हम काम में ना वो सिग्नल छोड़ देते हैं हम उसको इग्नोर कर देते हैं तो वो पहले सिग्नल वो बॉडी देगी ही देगी आपको समझ में आ आपकी पॉटी से समझ आ आपके पॉटी के कलर से समझ में आ आपके हेयर और हेयर थिनिंग है कि नहीं है आप समझा सकते हो कि कौन सा कैसी पॉटी होती है और क्या उससे सिग्नल्स होते हैं हाँ सो पॉटी बेसिकली जैसे फ्लोटिंग एंड सिंकिंग जैसे पॉटी हम ज्यादातर देखना चाहेंगे तो uh, जैसे जो सिंक होता है तो वो ज्यादातर हेवी होता है जिसमें बहुत सारे ट uh, होते हैं वो तो सिंक हो जाती है जो फैटी वाले होते हैं वो ज्यादातर फ्लोट होते हैं तो हम ज्यादातर ऐसे देखते हैं कि वो लिवर आपका गंदा है तो हम डायरेक्टली फिर लिवर पे टारगेट करना शुरू कर देते हैं okay. राधर द गट सो लिवर इज द मेन ऑर्गेन जहाँ मुझे ज्यादातर जब ये पॉटी के क्वेश्चन आते हैं तो मैं लिवर पे ही जाती हूँ और उसमें समझ में आता है कि फैट टॉक्सिंस कितने बाहर गए हैं कितना टाइप का मैंने क्लीनिंग किया है उस हिसाब से हम ये आगे बढ़ाते हैं फिर पूरी स्टूल टाइप से ही हमें पता लग जाता है कि क्या बॉडी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत बिकॉज आजकल वो वेस्टर्न कमोड्स uh, आ गए हैं तो उनको लिटरली लॉजिक नहीं बैठता है कि वो फ्रेगमेंटेड है या यू you नो know, बड़े से पूप्स आते हैं या छोटे छोटे दाने होते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन अंदर अंदर जाके उनको ड्रिल करना पड़ता है उन्होंने आगे क्या खाया है उस हिसाब से फिर हम इंटर कनेक्ट करते हैं कनेक्ट द डॉट्स करते हैं एंड फिर हम उनको वैसे सजेस्ट करते हैं सो बेसिकली बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं हाँ इंडिविजुअल पे नहीं, नहीं सकते बिल्कुल भी नहीं ओके ओके सो अब एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपने जब अपना न्यूट्रिशन का सारा पढ़ाई स्टार्ट किया होगा तो आपने मॉडर्न न्यूट्रिशन और सारा वेस्टर्न देखा होगा और उसमें बोला जाता है कि आपको कैलरीज प्रोटीन्स आपको काब्स और ये सब बैलेंस करना चाहिए आपको अगर आप नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो तो तीन मील लेनी चाहिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जा रहे हो तो आपको एट मील्स या सिक्स मील्स लेनी चाहिए तो बहुत वेस्टर्न और फिर मैं आपसे सुन रहा हूँ आप बात कर रहे हो कफ़ की आप बात कर रहे हो पिता mm. आप बात कर रहे हो वाद की mm. तो इस जर्नी से यहाँ आने का क्या लाइक like, लॉजिक क्यों क्यों आप यहाँ आए क्योंकि ये बहुत ईजीली समझाया जा रहा है कि आपको सुबह उठ के आप शेक्स पी लो आप स्मूदीज पी लो आप ब्रेड ऑमलेट खा लो आपका ब्रेकफास्ट हैवी कर लो अब ये कर लो वो कर लो और इसमें बताया जाता है फिर यहाँ से आपने एकदम एक इसको कंबाइंड क्यों किया लाइक आई वॉन्ट नो द लॉजिक

स्टफ के भाई ये क्या है बर्थ कंट्रोल क्यों एक चौदह साल की बच्ची को देने की क्या ज़रूरत तो है अगर वो करते है तो बहुत है? हाँ, all, तो बहुत अगर वो करते हो वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये मेडिसिन एक ऐसी चीज है कि एक तो पहले मैंने बर्थ कंट्रोल पिल तो चलो फिर भी हमने आ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तभी तो हमने right. बर्थ कंट्रोल पिल स्टार्ट तो कर दी पर आ, फिर लगा कि चलो एक महीना ही डॉक्टर रखेंगे फिर तो हमारे पीरियड ठीक हो जाएंगे और मेडिसिन का काम क्या होता है मैं छोटी बच्ची थी तभी मुझे मुझे वही लग रहा था कि मेडिसिन खाने से मेरी डिजीजी ठीक हो हो गई। ठीक गई। मेडिसिन का काम क्या है? तो हमें ठीक करना हाँ। पर वो ठीक करती नहीं है टेम्परेरी वो सिम्टम को ही कम करती है। मैंने मेडिसिन चलो एक स्टार्ट की जैसे मैंने बर्थ कंट्रोल पिल स्टार्ट किया फिर मैं महीने के बाद डॉक्टर के पास जाती तो मैंने किया मेरे ब्लड वापस स्टार्ट तो स्टार्ट हो गया तो मुझे थाइरॉयड की मेडिसिन स्टार्ट हो गई मेरा वजन बढ़ने लगा देन आई वॉज पुट ऑन टू अ स्ट्रिक्ट डाइट फिर मेरा हेयर थिनिंग होने लगा हेयर की गोलियां स्टार्ट तो एक गोली के पीछे मुझे पाँच गोली लेनी पड़ी देर इज वेयर माई मदर वली यू नो कि नहीं अभी तुझे ये नहीं करना है नाउ लेट्स गो टू समनेस इंस्टीट्यूट एक छोटा सा एक बैंगलोर में एक वेलनेस इंस्टीट्यूट हो रहा था हम वहाँ गए वहाँ हमने बहुत कुछ नेचुरल रेमेडीज के बारे में सुना पढ़ा और मैंने वो खुद मेरे ऊपर किया तीन महीने भी डिडिट माय मदर आल्सो डिड बिकॉज उसको भी हाथराइटिस का इश्यू था उसने भी किया मेरे साथ साथ मेरे डैड जो डायबिटिक थे उन्होंने भी ऑब्वियसली हम एक घर में एक स्टार्ट करते तो दूसरे सब भी फॉलो करतेडीज तो अगर समझ तो, हाँ, exactly. तो yeah. आ, करने लगे तो डायबिटीज भी कंट्रोल आया मेरा तो मैंने पूरा पीसीओ उखाड़ के फेंक दिया मेरे बॉडी में से ओके okay, बिकॉज मैंने बहुत कुछ लाइफ स्टाइल चेंज भी किए मेरे फूड पैटर्न में भी मैंने चेंज किया वॉकिंग वॉकिंग भी स्टार्ट कर दिया एंड माई मदर के पेंस आथराइटिक वो भी सब रिड्यूस हो गए तो वहाँ इज वेयर आई फेल्ट कि सम वेयर फूड कैन बी यूज मेडिसिन बट उसको सही तरीका और गाइडेंस की जरूरत होती है तो मैंने सोचा कि चलो यही मैंने मैंने खुद किया है तो मैंने कॉलेज में फिर न्यूट्रिशन जाके पढ़ा ओके तो वहाँ मुझे काब्स प्रोटीन्स कैलोरीज ये सब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया पर मुझे वो कहाँ ना कहीं मुझे वो गलत लग रहा था बिकॉज मैंने खुद ने कभी काउंट करके नहीं पढ़ा खुद को सॉल्व मैंने हील नहीं किया I, I कि think कि ये तो बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है। लेकिन like हाँ। अगर मैं जिम ज्वाइन कर रहा हूँ उसके बाद फिर एक ट्रेनर आता है वो बताता है आपका बॉडी वेट ये है हाँ। है हिसाब से आप प्रोटीन लो हिसाब से ये हाँ। इस हिसाब से आप सप्लीमेंट्स लो फिर एक पूरी सप्लीमेंट्स की एक मार्केट मेरे सामने आती है जहाँ में बीसी डब्ल फ्रेश ऑयल <laughs> प्रोटीन के बॉक्सेस <laughs> right. ये प्री वर्कआउट्स पोस्ट वर्कआउट्स मेरा हो जाता है फिर आई आई मेरे को उतनी ही फिर एक्सरसाइज से दिक्कत होती है जितना मेरे को खाने में दिखती है

ओके सो okay, so में एप्पल एप्पल की क्यालेरी 80 क्यालेरी थी। की थी डू यू थिंक एट भी नहीं नहीं रहेगी कितनी है है किसी ने किया ही नहीं, उसको अपडेट ही नहीं हुआ है तो वही तो जो हैं। भी हम एप्स भी यूज कर रहे हैं अब वही कर रहे हो हाँ, पढ़ रहे हैं हम लोग भी तो मतलब हम अपना जो डेटा सेट बेकार है आप जो एग्स खा रहे हो वो, है, वो रेल, रेले, रेले, रे पहले हम अभी बोल रहे हैं हम ऐसे ब्लाइंडली भी आप उठा के मुझे पूछोगे गया की कैलोरी हाँ फोर फोर ग्राम है उसमें प्रोटीन है हाँ. पर आजकल हाँ तो वही है पर आजकल पता नहीं इंडियन एग है या फॉरेन है या क्या है तो थ्री कैलोरी भी हो सकता है और एट कैलोरी भी हो सकते है आई डोंट नो आप काउंटिंग ही गड़बड़ है तो हमारा तो सारा डेटा ही गलत है वही गलत है वही बोल रही हूँ तो कैलोरी काउंट करने का मतलब ही क्या ओके okay. oh. दूसरी एक बात चलो आपने आपने खा भी लिया ठीक huh. huh. है अच्छे से डाइजेस्ट कर दिया यू थिंक वो आपका गट अगर खराब रहेगा तो कैसे करेगा वो एब्सोर्व उतना प्रोटीन सो ऑल दैट इज लाइक अ माइंड गेम हाँ मैंने चौबीस ग्राम का वो प्रोटीन पाउडर लिया इसलिए मैं अभी अच्छा सा मैं यू नो मसल बिल्डिंग करूंगा और ये मसल बनेगा और मेरे में प्रोटीन है और मैं करूंगा इट्स नॉट द बॉडी डज नॉट वर्क दैट वे सो द थम रूल ट्रस्ट मी सबको एक ही डोंट गेट कंफ्यूज थम रूल इज कीप योर गट क्लीन आप जो कुछ भी खाओगे ना वो बराबर से अच्छे से एब्जॉर्ब होगा ही होगा फॉर श्योर sure. अभी प्रोटीन के लोगों को मुझे प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स होते हैं तो मुझे डाइट देने में इश्यू नहीं आता वेजिटेरियन को डाइट देने में इश्यू नहीं आता मेरे को चैलेंज क्या आता है पता है लोगों को सिखाना कि ये मतलब बिकॉज सो मच जैसे आपने पढ़ा कि पूरी प्रोटीन कंपनी मेरे आगे आ जाती है और मुझे प्रोटीन तो आपने जैसे पढ़ा कि प्रोटीन ये काम करता है वो काम करता है आपको ये काम करना है वो काम करना है तो लोगों के ये माइंड से निकालना ना मेरे लिए एक डिफिकल्ट एक चैलेंज हो चुका है बिकॉज ये प्रोटीन पाउडर बेचने वाली कंपनियों ने आपके माइंड में इतना कुछ प्रोटीन के बारे में डाल दिया है कि यू ऑलवेज फील कि प्लांट बेस्ड डाइट्स आर ऑलवेज बैड कि उसमें हमें प्रोटीन मिलता ही नहीं है तो हम कैसे करें ऐसा नहीं है दिस डज नॉट वर्क दैट वे मैंने तो कभी काउंट करके खाया ही नहीं है प्रोटीन फिर hmm. भी मैं एकदम परफेक्ट आई एम लाइक अ सुपर अन यहाँ हमारी कितनी सारी लेडीज है जो काउंट करके नहीं खाती है फिर भी कितना काम करती है आप लोग से ज्यादा काम करते हैं है right. फिर भी हम प्रॉपरली विद गुड मेंटल हेड हम काम करते हमारे जो हॉर्सेस है एलिफेंट्स है जिराफ है वो भी तो कुछ काउंट करके थोड़ी खाते हैं एंड लेट लाइक यू प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपने भी एथ स्टैंडर्ड के बायोलॉजी टेक्सट बुक में पढ़ी होगी प्रोटीन डेफिशिएंसी इज कॉल्ड क्वेश्ची ओरकर

हाँ एक्सेस में मिल नहीं रहा है द वे द थिंग इज के काउंट करके मत खाओ और आपकी बॉडी हाँ। में गट इतना ठीक कर दो कि आप जो भी कुछ खा रहे हो बराबर से एब्जॉर्ब हो जाए दैट इज द मेन थिंग एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमुलेट भी होए और उसका आपको असर दिखे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गट कैसे ठीक करो क्या कैसे कैसे, कैसे क्या खाऊं कि मेरा गट ठीक रहे सी पहले तो गट में इट्स इज लाइक जैसे बोलते हैं ना कि कोर ऑफ द हेल्थ और उसमें भी अग्नि जो हमारी जठार अग्नि है वो हमारी सबसे बड़ी मेन है उसको वेल स्टॉक रखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी डाइजेशन ठीक हो तो सबसे पहले हमें जठार अग्नि को ठीक करना है तो एक छोटू सा नुस्खा बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करती हूँ छोटा सा नुस्खा करते हैं जब भी भी खाना खाने को बैठो उसके पहले एक छोटू सा जिंजर लो उसमें ब्लैक सॉल्ट डालो थोड़ा सा लेमन डालो और उसको च्यू कर दो वो आपकी जठार अग्नि को फटैक से एक्टिवेट कर लेगी ठीक है तो आपको जो भी डाइजेशन आपका जो भी हैवी फूड भी रहेगा वो एकदम आराम से डाइजेस्ट हो जाएगी चाहे मील खा रहे हैं। कुछ भी खाओ और जैसे यंग लोग हैं एक चीज जरूर मत करना इज लाइक ईटिंग हैवी फूड डोंट हैव आइस कोल्ड वाटर या थम्स अप हैवी आइसक्रीम उसके बाद मत खाओ क्यों आपको पता है दिल्ली में लोग छोले खाते हैं और थंडी 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 लेते हैं। और ठंडी ठंडी लेते वेरी ठंडा ठंडा चीजें बाद मत खाओ इतना करने से गट चेंज हो जाएगा जो आप कंप्लेन करते हो गैस होती है ब्लोटिंग होती है एंगजाइटी हो जाती है डिप्रेशन हो जाता है ट्रस्ट तो yeah. no, 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 मी ओके ओके चीज प्रकृति के हिसाब से खाना है जो हमने पहले बात किया है तो गो विथ द प्रकृति ईट अकॉर्डिंग टू द फूड अकॉर्डिंग टू वात कफ और तीसरा है कि थोड़े से रूटीन में चेंज लाइए थोड़ा सा दिनचर्या कीजिए जैसे शत पावली बोलते हैं हंड्रेड स्टेप्स बोलते हैं आपके पास टाइम नहीं है कुछ नहीं तो लंच डिनर के बाद खाली हंड्रेड स्टेप्स चल लो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है ऑयल पुलिंग करो बिकॉज ऑयल पुलिंग करने से टंग है वो एक सक्शन पंप है वो पूरा टॉक्सिन खींचता है पूरे ऑर्गन से ऑयल पुलिंग कैसे होगा वो कोकोनट ऑयल लीजिए जैसे इसमें ऑयल लीजिए पुट इट इन द माउथ एम उसको गोला करो अंदर ही अंदर ओके okay. ओके। okay? uh, एक चम्मच जितना ऑयल लीजिए और गोला करो एक मिनट के लिए हाँ. वो वो क्या करेगा पूरा टॉक्सिन बाहर फेंकेगा ये टॉक्सिन कहाँ से आएंगे टंग एक्ट्स लाइक अ सक्शन पंप Okay. हाँ. राइट wow. right? okay. ये जो हमारे परदादा लोग करते थे ऐसे आवाज करके नहीं हम लोग हंसते थे बट दिस वॉज एक्चुअल थिंग जो हमें रोज को करना है हमने सब छोड़ दिया फिर क्या बोलते टंग स्क्रेपिंग करते बेड बैक्टीरिया तो जो हाँ तो उसको हम स्क्रैप करते हैं छोटी छोटी करना करनी है okay, like good, but, uh, yeah, सिर्फ एक बार भी किया तो ठीक है मॉर्निंग में कर लो हाँ, पर रोज करना है कंसिस्टेंटली करना है ताकि आप में बहुत टॉक्सिन्स डेवलप ही ना ओके बिकॉज टॉक्सिन्स एक ऐसी चीज है ना जो बॉडी में एक बार बन जाती है जैसे गट में तो ये टॉक्सिन फिर सब जगह पे घूमता है और फिर हम अलग अलग नाम देते हैं बस अलग अलग डिजीज़ के नाम देते हैं लाइक यही टॉक्सिन अगर मेरे यूट्रस में जाके जम गया और सिस्ट बन जाता है तो हम पीसीओएस नाम दे देते हैं यही टॉक्सिन मेरे पैंक्रियास में जाता है तो हम इंसुलिन तो डायबिटीज का नाम देते हैं यही टॉक्सिन मेरे थायरॉड ग्लैंड में फंस जाता है तो हम हाइपर हाइपो हाइपोथायरॉयड का नाम दे देते हैं मेरे आर्टरीज नर्व्स में टॉक्सिन फंस जाते हैं तो मैं हाई कोलेस्ट्रॉल बोल देती हूँ हाई ब्लड प्रेशर बोल देती हूँ तो तो एक ही गंदगी है okay. पर हम अलग अलग नाम देते हैं बस आपको सिर्फ वो गंदगी आप निकाल दो सब कुछ ठीक हो जाएगा इट इज दैट वे सो गट का है तो ये एक चीज है और ट्राई करो कि सिक्स टेस्ट आप एक साथ में खाओ लाइक like, like. आयुर्वेदा में हम बोलते हैं कि आपकी एक थाली में स्वीट सार सॉल्टी एस्टिंजन बिट्टर पंजेंट ये छः छः चीज़ें होनी चाहिए आपकी एक थाली में ताकि आपको कभी भी इमोशनल क्रेविंग्स ही ना हो डीपर लेवल की सेटिस्फैक्शन मिलती है तो ट्राई करो कि वो भी इंट्रोड्यूस करें एंड आई साइड एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो भी एक अच्छा बात है टू कीप योर गट क्लीन हमेशा सिंक में रहना चाहिए

कि ये सारी चीज़ें अगर मैं करता हूँ जितनी भी आपने बताई हैं अपनी सारे एलिमेंट्स के साथ अलाइन करके अपना कि क्या मेरी बॉडी की प्रकृति है खाने वाली तो मैं उस सारी चीज़ों के साथ अलाइन करके चलता हूँ तो मेरी एक हेल्दी बॉडी होगी मेरे मेरे को कम चांसेस होंगे कि मैं बहुत लेजी हूँ मेरे को बीमारियाँ लगने के कम चांसेस होंगे मेरी डे टू डे लाइफ थोड़ी पॉजिटिव होगी एक्टिव होगी सारा कुछ राइट बट अब इस पूरे समाज में अभी लोगों को बहुत एक परफेक्ट बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए उनको चाहिए कि यार मेरे बाइसेप्स हो मेरी अच्छी फिगर चाहिए अब ये सारी डाइट वो अचीव करवा सकती है या फिर हमारे को जब हम देखते हैं कि यार हमें जिम जाना है बॉडी बिल्डिंग करनी है एक हमें परफेक्ट बॉलीवुड बॉडी चाहिए तो उसके लिए फिर हमारे को लेने पड़ते हैं। तो वो क्या सही है तो वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स की तरफ जा रहा है तो डेफिनेटली आई नॉट अग्री टू इट क्योंकि मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट्स हम तो वैसे भी विदाउट प्रोटीन सप्लीमेंट भी आपको वॉशबोर्ड एप्स दिला सकते हैं खिचड़ी डाइट से भी वॉशबोर्ड एप दिला सकती हूँ आपको पर wow. उसके साथ मुझे एक अच्छा सा ट्रेनिंग चाहिए मसल कभी बिल्ट होता है जब भी हम मसल को ट्रेन करेंगे राइट right. राइट right? तो वो ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए हमारा खाना अच्छा होना चाहिए आपको एक अच्छी सी गाइडेंस मिलनी चाहिए एक अच्छा सा न्यूट्रिशनिस्ट मिलना चाहिए जो आपको अच्छे से पूरा यू नो कॉम्बिनेशन में आपको बना के दे डाइट लाइक like, हम आयुर्वेदा में बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर फूड नहीं है जो आपको ये सब कुछ करवा सकता है hmm. उस फूड को भी हम कैसे खाते हैं किसके साथ मिला के खाते हैं तो उसकी चीज़ें सब डेफिनेट अलग हो जाती है लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं खिचड़ी की बात करती हूँ खिचड़ी इज समथिंग विच इज माई हॉट फेवरेट डाइट ओके आपको लगेगा कि ये बीमार ऑब्वियसली लाइक यू अज आपको लगेगा ये बीमार लोगों का को मेरी है। मम्मा बहुत अच्छी खिचड़ी बनाती है और मेरे को पसंद है खिचड़ी परफेक्ट खिचड़ी इज द बेस्ट डाइट एक्चुअली अगर आपको गट ठीक करना है आप एक वीक खिचड़ी डाइट करो गारंटीड गारंटीड आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा जहाँ मैं रोकना चाहूंगा मैं पंजाबी फैमिली से आता हूँ और उस खिचड़ी में कभी कभी तड़का भी होता है तो एक बार आप मेरे को खिचड़ी बता दो कि कौन सी खिचड़ी की बात कर रहे हो खिचड़ी बहुत तरीके की लोगों की बनती है।, की है बट एक अच्छी खिचड़ी जो गट सही कर दे अच्छी सारी है जो मम्मी बना रही है सारी अच्छी है बट जो गट ठीक कर दे वो कैसी खिचड़ी होती है तो पहले तो हम जो राइस लेते हैं वो ज्यादातर अनपोलिश्ड राइस लाइक लेनी चाहिए लाइक कोलम राइस है या सोना मसूरी राइस है कभी भी बासमती राइस नहीं लेना है Oh. खिचड़ी में ठीक okay. तो है okay. uh, secondly, हम दाल लेते, तो वो मोटा -मोटा जो अच्छा जो येलो दाल और छिलके वाली दाल रहती है येलो मूंग दाल जैसे मोगर दाल बोलते छिलके वाली दाल रहती है और बहुत सारे वेजिटेबल्स डालने होते उसके अंदर लाइक लौकी हो गया एश हो गया कैरेट पीस मटर अनियन गार्लिक सब कुछ हम अंदर डाल के एक अच्छा सा खिचड़ी बनाते पर उसको एक घी का तड़का डालना बहुत ज़रूरी होता है और घी के तड़के के अंदर डाइजेस्टिव स्पाइसेस जो लौंग है मरी है आ, ये क्या बोलते हैं सेनमिन है, है इलायची है ये भी डाल के आपको साथ में मिला के उसको कुक करना है जी कुकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट जितना हो सके उतना मिट्टी के बर्तन में अगर बनाते हो तो टेस्ट तो ठीक है अलग ही बात है बट उसकी जो जो एल्कििनिटी जो आती है वो कुछ अनदर लेवल ही होती है ओके प्रेशर कुक भी कर सकते हो अगर हमारे पास टाइम नहीं है ठीक है प्लीज़ गो अहेड बट साथ में मिला के खाना इज़ कॉल्ड खिचड़ी क्योंकि बहुत लोग आर्ग्यूमेंट uh, करते हैं कि फिर चावल और दाल तो वेजिटेबल्स सब मिला के खाएंगे तो वही होगा ना तो नहीं बट जो कुकिंग प्रोसेस जिस हिसाब से फैट प्रो काब्स प्रोटीन सब मिला के जो एक साथ में जो कुक करते वो अलग है और ये चावल और दाल अलग है सो दिस इज़ खिचड़ी नाउ खिचड़ी बेसिकली वाई इट इज़ माई फेवरेट डाइट क्योंकि वो गट को बहुत बहुत ईजी टू डाइजेस्ट फूड है right. और हम कभी बीमार लोगों को रिकवर करना होता है तो हम खिचड़ी देते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ पावरफुल इट इज़ टू रिकवर यू Right? और so, अगर हम बीमार है ही नहीं और हम खा रहे हैं फिर भी तो वो, वो कितना आपको अच्छा है। हाँ क्योंकि खिचड़ी इज वेरी इंपॉर्टेंट एक वीक हमेशा पूरे महीने में एक वीक खिचड़ी डाइट कर लेना चाहिए डिटॉक्सड कर सकते हो हाँ, तो कोई नहीं तो मोटा मोटा दो दिन लगातार कर लो तीन दिन लगातार कर लो बट इट विल डेफिनेटली हेल्प यू एवरी डे wow. okay. और खिचड़ी एक ऐसी भी है कि uh, कोई भी कम्युनिटी हो जब भी हम बच्चे छोटे बच्चे हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग से बाहर आते हैं तो हम फर्स्ट फूड क्या देते खिचड़ी hmm. इतना हाई पर बच्चा उनका ऑर्गेन्स बनते हैं वो मोटर डेवलपमेंट होता है फिर भी हम खिचड़ी देते हैं बिकॉज इट इज़ सो न्यूट्रिशियस सबको पता है ये कितना न्यूट्रिशियस फूड है फिर भी हम खिचड़ी बीमार लोगों का है ये है वो है लोग खाना ही बंद कर देते हैं बट दैट्स द पावरफुल वे टू डू हम नहीं करते हमें जिस हिसाब से हम खाना खाते उसके हिसाब से हम देते like हमें फॉर uh, एग्जाम्पल uh, uh, आप अगर मुझे बी ट्वेल्व और डी थ्री की सप्लीमेंट्स बोलते हो तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड बिकॉज कभी कभी मैं डायट जब भी करती हूँ लाइक like बहुत वेजीटेरियंस लोग रहते हैं तो उनको बी ट्वेल्व डी थ्री की कमी रहती ही रहती है मैं कितना भी उनमें uh, सोर्स डालना चाहो तो वो नहीं मिलता फ्रेंकली स्पीकिंग सो मेरा डाइट जैसे हम एग्जाम में पेपर लिखते हैं फिर मेरा पेपर मेन सप्लीमेंट खत्म हो जाती है तो मुझे और सप्लीमेंट मंगवाना पड़ता है टू कंप्लीट माय पेपर वैसे ही डाइट हम जो बनाते हैं वो आपका कोर डाइट है पर उसको कंप्लीट करने के लिए हमें एक सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है तो वहां हम ये सप्लीमेंट्स यूज करते हैं बट अगेन दिस सप्लीमेंट्स वी शुड इन कंटिन्यू थ्रू आउट योर लाइफ हमें बॉडी को डिपेंडेंट नहीं करवाना होता है हमें सिर्फ थोड़ी सी एड करवानी होती है लाइक like मैग्नीशियम मैंने एड करवाया टू जस्ट यू नो प्रमोट स्लीप इन यू तो एक बार हम स्लीप कर लेते हैं हमारी बॉडी एक बार यूज हो जाती है तो ऑटोमेटिक वो, वो हमारे हार्मोन्स रिकवर कर दे जनरेट करना स्टार्ट कर जनरेट स्टार्ट कर देता है हमारे हार्मोन रिकवर होने जाते हैं तो वो पूरा फंक्शन पापस से वो मशीन स्टार्ट होने लगता है तो फिर मैग्नीशियम हमें सिर्फ दो महीना लेना होता है बंद कर दो Uh, कुछ सप्लीमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे को बस नेसेसरी होते हैं चाहिए ही चाहिए हैं, जो बॉडी खुद जनरेट नहीं कर पाती हाँ तो वो लेने चाहिए डेफिनेटली भी, भी चाहिए। लेने चाहिए जैसे बी टी थ्री जैसे okay. uh, आज कल के जो हम जमाने में हम ये कवर्ड रूम्स में ही बैठे रहते हैं वर्क फ्रॉम होम रहता है तो हम बाहर नहीं जाते तो हमारे डी विटामिन डी में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है तो हमें डेफिनेटली सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं बी ट्वेल्व फॉर वेजिटेरियंस वी डर कैन नॉट गेट इट फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज जो भी हम बोलते हैं मशरूम से ये है तो इतना कुछ खाएंगे तो हमें कुछ मिलता है

जैसे मैं मम्मीज़ है ये हमारा एपिसोड मम्मी का है मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आजकल की जो मम्मियाँ हैं अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं राइट right. बहुत right? ही स्टराइल इन्वायरमेंट में रखते हैं उनको बाहर जाने को नहीं मिलता जबकि हम छोटे थे 80s, 90s के बच्चे लोग जैसे बारिश आता है तो हम फटाफट बाहर जाते थे फर्स्ट बारिश में खेलते थे exactly. वो बोट्स बना के करते थे चप, या चपना. गार्डन में खेलते थे या ट्रीज उगाते थे ये सब हम सब कुछ करते थे right. तो हम कहीं ना कहीं हम एक बैक्टीरिया या वायरस से एक्सपोज होते थे ओके hmm. okay? और वो धीरे धीरे मेरी बॉडी उसको फाइट करना सीखती थी राइट right. right? पर आजकल के बच्चों को इतना प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट मिलता है कि आप तुम कितना भी उसको काढ़ा दे दो टर्मरिक का काढ़ा दे दो या हमने जो कोविड में सब काढ़े चालू कर दिए ये गुडूठी hmm. कर दिया तो हमने हमारे सोल्जर सेल्स जो हमारे अंदर होते हैं हमने उसको तैनात तो कर दिया हमने उसको प्रिपेयर कर दिया पर उनको फाइटिंग करना ही नहीं आता क्योंकि वो लोग एक्सपोज ही नहीं हो रहे दूसरे सब बैक्टीरिया से तो वो फाइट कैसे करेंगे बैक्टीरिया मिलेंगे थोड़े 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 तो मिलने तो चाहिए ना आप बाहर तो भेजो उनको यू uh, नो you know, ये मिट्टी में खेलने दो तो ये छोटे छोटे यहाँ जाएंगे तो रॉ सैलेड हम कभी कभी खाना खाते हैं तो अगेन मैं पहले भी बोला था वात प्रकृति जिसको गैस ब्लोटिंग है प्लीज स्टॉप योर सैलेड्स पहले ही विद इन फोर डेज आपको गैस ब्लोटिंग चली जाएगा अगर आप प्रीडोमिनेंटली डोमिनेंटली खाते हो तो इवनिंग hmm. स्नैक में मैं हमेशा हर एक मदर्स एंड यंग लेडीज अगर मदर्स को जिसको भी डॉटर्स है प्लीज इट्स अ मस्ट रॉ हैंडफुल ऑफ रोस्टेड चना एक टीस्पून घी और थोड़ी सी जैगरी hmm. जैसे प्रसाद के जैसे आपको लगता होगा बट इट्स एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन टू कीप योर हॉर्मोन्स इंटैक्ट कुछ नहीं है सिर्फ पांच रुपए की चीज है बट डेफिनेटली yeah. जो आजकल मैं देख रही हूँ फर्टिलिटी इश्यूज एंड पीसीओएस एंड डायबिटीज एंड थायराइड ये कुछ नहीं होगा आप सिर्फ ये एक जड़ी बूटी की जैसे खाते रहो आपका आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो मैं गारंटी देती हूँ उसके साथ डिनर ऑल्सो प्लीज मेक श्योर दैट आपका डिनर होलसम हो लाइट हो बट बहुत हैवी नहीं खाना है पर ट्राई टू हैव इट लाइक टिल सेवन ओ क्लॉक मैक्स एट ओ क्लॉक यू शुड फिनिश योर डिनर बिकॉज हमारी जो जठार अग्नि है वो सात छ या सात बीच तक ही एकदम एक्टिव रहती है फिर वो थोड़ी थोड़ी मंद होने लगती है hmm. तो वो डाइजेशन कम्प्लीट नहीं होता है तो डाइजेशन कम्प्लीट नहीं होगा तो वो पेट में पड़ा रहेगा फोमेंट होगा रोटन होगा फिर उससे गैस बनती है एसिडिटी बनती है और वो विशेष सर्कल में आप घिरते जाओगे so this is the मोटा मोटा things that everyone should should everyone should follow ha <laughs> huh, okay मैगी नहीं खा सकते ना <laughs> <laughs> नहीं मैगी नहीं खा सकते पर आजकल तो इतने जवार <laughs> के नूडल्स मैंने यस्टरडे मेरे बच्चे के लिए जवार का नूडल बनाया हाँ। <laughs> मैगी के मसाले के साथ तो टेस्ट थोड़ा सा तो नहीं 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 होता है नहीं होता है बिल्कुल भी थोड़ा सा तो होता है अभी मेरे घर हमारे पे को थोड़ा सा ऐसे लेट भी तो चाहिए होगा नहीं ओके okay. <laughs> पर आई फील कि अगर हम ऐसे 15 डेज एकदम अच्छा कर रहे हैं क्लीन कर रहे हैं फिर एक बार बीच में कर रहे हैं तो खाना चाहिए जैसे मैंने बोला ना एक्सपोज करो बैक्टीरिया right. जर्म्स के साथ ताकि आपके इम्यून सेल्स इम्यून हो जाए तो, खाना ही चाहिए तो, मैं खुद बोल बीच में जंक चीट प्लीज करिए वरना आपको बाहर का खाना फिर सूट नहीं करेगा और ऐसे मॉडर्न जमाने में बाहर तो खाना ही पड़ेगा ना राइट सो फ्लेक्सिबल रहे बट ट्राई करें कि इस पूरे ऐसे लाइफ में कि आप जितना क्लीन खा सकते हैं जितना, exactly. कर, सकते जितना कर सकते और जितना मॉडरेशन में खाए राइट right. हमेशा मॉडरेशन में खाए बिकॉज एक मैं वो भी बताना चाहूंगी कि हम हमारा जैसे हम लोग नहीं बोलते ये हार्ट की साइज है तो ये हम ऐसे मिला के खाते ना इतना हमारे पेट की साइज है ये हमारे जेन में भी बताए इतना ये बोल बनता है इतना बड़ा पेट इतना है। इतना ही बॉडी खाना डाइजेस्ट करती है मी इतना ही बॉडी एच बाइल जूस प्रोड्यूस कर पाएगी और पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कर पाएगी तो ही आपका खाना डाइजेस्ट होता है पर हम खाना खा खा के क्या करते हैं स्टमक इज एन इलास्टिक आपको पता है वो इट्स लाइक अ बलून वो फूल जाता है खाना खा खा के हमारी स्टमक इतनी ये तो बड़े से तो हो जाता है तो वो सरफेस एरिया सुनो ना तो वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है इसलिए आपको भूख अभी ज्यादा लगने लगी है Oh. But actually you're born to eat only this much. तो body 2 ml बाइल जूस कर पाएगी, उतना ही पाएगी। और अगर ये दो जूसेस नहीं है तो आपका डाइजेशन होने वाला नहीं है सॉरी तो ये बढ़ा दिया ना हमने इलास्टिक तो से अब ये जिसका इतना बढ़ गया है अब वो अब इतना खाए कल से तो हाँ। उसको तो भूख लगती रही पूरा दिन नहीं वो थोड़ा सा माइंड स्ट्रॉन्ग भी होना है धीरे धीरे हमें अभी आप चार रोटी खा रहे हो तो तीन पे आ जाओ फिर दो पे आ जाओ वो तो धीरे धीरे माइंड बॉडी उसको सब ऑर्गेस एक दूसरे से मिंगल करते हैं सब ऑर्गेन्स ब्रेन और गट दोनों के साथ बात करते हैं और आपको भी हेल्प करेंगे बॉडी को हेल्प करना है पर आप सुनते ही नहीं है हाथ में कितनी एनर्जी रहती है पूरा दिन है कितनी एनर्जी रहती है पूरा दिन किस में आप में बहुत रहती है

मैं बताया था ना आपको बताओ, मैं बताओ, करता। मैं जब मैं बिल्कुल नॉन वेज कट ऑफ कर रखा था तो आई वॉज वेरी शार्प कि मैं, मैं सुबह उठ रहा हूँ तो मैं उठ गया हूँ hmm. मेरा वो स्नूज करने का और ये सब करने का मन नहीं कर रहा और जब मैं नॉन वेज वाले पे आया तो आई एम वेरी एग्रेसिव अब वो मैं पॉजिटिवली भी यूज कर पाता हूँ जब मैं कुछ जैसे मैं स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ तो वहां पर मेरे को हेल्प करता है कभी अगर मैं कहीं पे जैसे कहीं पे मेरे को एकदम काम नहीं होना और मेरे को एग्रेसिव रहना तो वो नॉनवेज वहाँ पे हेल्प करता है बट मोस्टली वो एक नेगेटिव फेज में जा रहा है क्योंकि मेरे को पूरा टाइम इतना एग्रेसिवनेस की जरूरत नहीं है जितनी कामनेस की जरूरत है एंड जब मैं क्लीन मतलब क्लीन तो नहीं जब तक मैं वेजिटेरियन चीज़ें खा रहा हूँ सब कुछ और कम खा रहा हूँ ये भी है चाहे मैं अगर वेजिटेरियन खा रहा हूँ और मैं इतना खा रहा हूँ ना तो वो भी खराब कर रहा है और मैं वेजिटेरियन खा रहा हूँ कम खा रहा हूँ तो वो भी अच्छा बैलेंस करके देता है ब्रेन फॉग नहीं होता मेरे को पता है कि क्या सही है क्या गलत है बट नॉनवेज खाने के बाद मेरे को फिर से दस बार सोचना पड़ता है अगर मैं नॉनवेज नहीं खा रहा तो मेरे को पता है कि क्या सही है क्या गलत है तो चीज़ें बहुत स्लो नहीं होती फास्ट हो जाती है बॉडी आसान हो जाती है कि मतलब तब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं और बॉडी ना एक ही है नहीं होता वो कि है माइंड बॉडी कनेक्शन और खा आता है ये मैंने बहुत नोटिस किया है बे चिर्चिड़, चिर्चिड़ है है बेवजह चीजों चिड़चिड़ होता और ये बहुत है कि आज खाया तो रात को ही हो गया सुबह खाया तो रात को हो गया दिक्कत होती है कंफ्यूजन बढ़ जाती है बोलने में स्टैमर करने लगते या कुछ वर्ड्स में गड़बड़ हो जाती है

जेनरली बता रहा हूँ मेरे लिए Good. कि मैं अब कल से खाने से पहले दो मिनट सोचूंगा तो सही क्या खा रहा हूँ yeah. और धीरे धीरे मैं, मैं करूंगा एंड आई वॉन्ट की बाकी सबको भी कि आई आई डोंट वॉन्ट की लोगों को ना मैं बस बोल दू कि ये करो ये करो ये करो आई वॉन्ट की खुद फिगर आउट करना बहुत इंफॉर्मेशन चाहिए right. मेरे को जानना है कि क्या पॉजिटिव साइड है नॉन वेज की मेरे को जानना है क्या पॉजिटिव साइड है वेज की और फिर मेरे को एक्सपीरियंस करना है और फिर मेरे को खुद फिगर आउट करना है कि मेरे लिए क्या सही है